गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही कदम रख दिया था। 1992 में जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एबीवीपी की टिकट पर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए। इसके बाद समाज सेवा को अपनाया और स्वदेशी जागरण मंच व सीमा जन कल्याण समिति में कार्य किया। 1992 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत साल 1994 में ईस्ट अफ्रीका के देश इथोपिया चले गए। वहां खुद की जमीन पर खेती करने लगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं राजनीति की वो ललक जिंदा रही। शायद यही वजह है कि 20 साल बाद साल 2014 में चुनाव लड़ने के लिए वतन वापसी की। छात्र जीवन से ही भाजपा से जुड़ाव रहने के कारण लोकसभा चुनाव 2014 में टिकट भी मिल गया, पहला ही चुनाव जीता और केंद्र में कृषि राज्य मंत्री के पद तक पहुंच गए। लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी को 4,01,051 मतों से मात देकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद मोदी टीम के साथ जुड़कर सक्रियता से काम किया और जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ और राजस्थान में लोगों का दिल जीता। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर फिर से भरोसा जताया। इस बार के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से हुआ। शेखावत ने वैभव गहलोत को 2,74,440 मतों से हरा दिया और फिर से संसद पहुंचे।